अस्सलामुअलैकुम, आई एम अ टीचर ऑफ K3। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से तालीमी इदारे बंद हैं, जिसकी वजह से तालीमी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए CPSS ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। बच्चों को अपनी निगरानी में काम करवाएं, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ इनके लिए न्यू मेथड है। क्लास K3 हमारा इंग्लिश बी का फर्स्ट लेक्चर है। टुडे आवर टॉपिक इज लेटर। बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क, रेडी योर नोटबुक पेज अकॉर्डिंग टू क्लास वर्क। ड्रॉ मार्जिन लाइन, मेंशन अ डे एंड डेट। क्लास, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेटर। लेटर इज, write a letter to sister thanking for birthday gift. अपनी बहन को खत लिखना है जिसने उसको उसके दिए हुए सालगिरह के तोहफे का शुक्रिया अदा करना है। खत लिखने का तरीका ये है कि हमारे मार्जिन लाइन जो कि राइट साइड पे हम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद स्पेस देकर लेफ्ट साइड पर जो हमारी फिनिशिंग लाइन है, उस साइड पर हमने अपना एड्रेस, जहाँ से हम लेटर राइट कर रहे हैं, हमने अपना एड्रेस राइट करना है। क्योंकि हम स्कूल से अपना लेटर राइट कर रहे हैं, तो वहाँ से हमारा एड्रेस होगा 271 तुफैल रोड। 271 तुफैल रोड हमारा स्कूल का एड्रेस है, जो हम मेंशन करेंगे फर्स्ट लाइन पर। और उसके बाद हम कोमा मेंशन करेंगे। कोमे के बाद द नेक्स्ट लाइन जो कि 271 कि बिल्कुल नीचे से स्टार्ट होगा, वहाँ पर हमें अपना सिटी नेम और डिस्ट्रिक्ट नेम राइट करना है, जो कि हमारा सिटी नेम है लाहौर एंड डिस्ट्रिक्ट नेम है हमारा कैंट। इसके बाद द नेक्स्ट लाइन हमने अपनी डेट मेंशन करनी है। डेट की जो डेट मेंशन करनी है, डेट हम सबसे पहले मेंशन करेंगे। इसके बाद हम अपना मंथ नेम राइट करेंगे। मंथ नेम के बाद कोमा आएगा और उसके बाद ईयर नेम राइट करेंगे। कोमा इसलिए आएगा क्योंकि हमारी डेट अभी कंप्लीट नहीं है। आफ्टर इट, जब हम अपना ईयर का नेम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। डेट के बाद नेक्स्ट लाइन में मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ हम डियर सिस्टर मेंशन करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सिस्टर को लेटर राइट कर रहे हैं, तो डियर सिस्टर मेंशन करेंगे। डियर सिस्टर के बाद कॉमा मेंशन करेंगे क्योंकि अभी हमारी बात स्टार्ट हुई है, स्टार्ट है, खत्म नहीं हुई। उसके बाद सिस्टर के नीचे से हम AOA यानी अस्सलाम वालेकुम राइट करेंगे। AOA इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद आई रिसीव अ लॉट ऑफ गिफ्ट ऑन बर्थडे, बट योर गिफ्ट ऑफ रिस्ट वॉच इज वन ऑफ द बेस्ट इन ऑल गिफ्ट। आई रियली नीड इट, इट कीप्स मी रेगुलर। थैंक यू फॉर दिस प्रीशियस गिफ्ट। अब रेगुलर के आगे फुल स्टॉप आएगा। यहाँ हमारी बात कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ से टू फिंगर का डिस्टेंस देके राइट करेंगे थैंक यू फॉर दिस प्रीशियस गिफ्ट। इसके नीचे मार्जिन लाइन भी ड्रॉ करेंगे। आफ्टर इट, एंडिंग हमारी लेटर की, हमने राइट साइड पर अपनी मार्जिन लाइन के साथ योर सिस्टर जूबिया, योर सिस्टर के आगे कोमा आएगा। और लास्ट में आपने अपना नाम मेंशन करना है, जो भी आपका नेम है वो आप मेंशन करेंगे। आपने अपनी नीट नोटबुक पर लेटर राइट करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेंशन इन द लेक्चर। हमारा सेकंड टॉपिक है ग्रामर ट्री से हमने लिया है। ग्रामर ट्री से हमने लिया है, पेज नंबर है 45। टॉपिक है हमारा नाउंस जेंडर। थ्री क्लास, ओपन योर पेज नंबर 45। टुडे आवर टॉपिक इज नाउंस जेंडर्स। यू हैव लर्न्ड अबाउट मेल एंड फीमेल वर्ड्स। जेंडर्स में हम नर और मादा अल्फाज के बारे में सीखते हैं। बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन,
father, mother, brother, sister. Nouns like boy, man, father and brother, which refer to males only, are said to be nouns of the masculine gender. Naam, jaisa ke ladka, aadmi, bhai, baap, nar ko zahir karte hain, jise muzakkar kaha jata hai. Nouns like girl, naam, jaisa ke ladki, woman, aurat, mother, ma, and sister, behen, which refer to females only, जो के खवातीन जो के मादा को जाहिर करती हैं, are said to be nouns of feminine gender, वो मोनस कहलाती हैं. Here are some pairs of masculine and feminine nouns. यहाँ पर हमें मुज़क्कर और मोनस के कुछ pairs दिए गए हैं. Students, अपनी नोटबुक्स के ऊपर आपने मैस्कुलिन फेमिनिन राइट करनी है. सबसे पहले अपनी नोटबुक पर मार्जिन लाइन ड्रॉ करें. पेज के सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करें. आपके पास दो पार्ट्स बन जाएंगे. फर्स्ट पार्ट पर मैस्कुलिन राइट करें, सेकंड पार्ट पर फेमिनिन राइट करें. उसके बाद आपकी बुक में जो मैस्कुलिन फेमिनिन दिए के पेयर्स दिए हुए हैं, आपने वो राइट करने हैं. मैस्कुलिन को मैस्कुलिन के पार्ट में और फेमिनिन को फेमिनिन के पार्ट में राइट करना है. अकॉर्डिंग टू बोर्ड, मैंने बोर्ड रेडी किया है आपके लिए. इस तरह से आपने नोटबुक पे काम करना है. नंबरिंग आपने लाजमी राइट करनी है, जैसा कि 1, 2, 3, 4, 5. आपके तमाम मैस्कुलिन और फेमिनिन का फर्स्ट वर्ड स्मॉल होगा, क्योंकि कॉमन नाउन्स का फर्स्ट वर्ड स्मॉल होता है. मैस्कुलिन फेमिनिन है आपके हीरो हीरोइन, प्रिंस प्रिंसेस, ब्राइड ग्रूम ब्राइड, रैम यू, मॉन्क नन, एम्परर एम्प्रेस, डक डचेस, नेफ्यू नीज, विजर्ड विच, अंकल आंट, शेफर्ड शेफर्डिस, काउंट काउंटेस, जेंटलमैन लेडी, किंग क्वीन, बुल काउ, फॉक्स विक्सन, पीकॉक पीहन, जेंडर गूज, टाइगर टिग्रेस, डॉग बिच, हॉर्स मेयर, कॉल्ट फिली, लाइन लाइनस, बक डो, ड्रैक डक, ड्रॉन बी, हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस, सर मैडम. पेज नंबर 45 पे 28 मैस्कुलिन फेमिनिन हैं, आपने अपनी कॉपीज पे राइट करने हैं. थ्री क्लास आपका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया है इंग्लिश बी का. आज आपने अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर अपनी नोटबुक्स के ऊपर काम करना है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द लेक्चर. और आपने जेंडर्स जो कि पेज नंबर 45 पे थे वो भी राइट करने हैं अपनी कॉपीज पर, और लेटर भी राइट करना है कॉपी पर नीट एंड क्लीन राइटिंग में, और उसे लर्न भी करना है. उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आएगा और आप अच्छा काम करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.